हेलो नीट कैंडिडेट्स, यूपी स्टेट ने बीडीएस कोर्स के लिए सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होने जा रही है कल से, यानी कि 20 अक्टूबर से, और ये 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, वो है 23 अक्टूबर टिल 11 AM, यानी कि कल 11 AM से लेकर 23 अक्टूबर 11 AM तक आप लोग इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स ने इसके पहले के राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट कराने का जो डेट है, वो भी 20 अक्टूबर 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 5 PM तक आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होगा, इसके लिए डेट्स रखी गई हैं 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर एंड 25 अक्टूबर टिल 5 PM। इसके लिए 3 डेज हैं। उसके बाद इस राउंड का एक मेरिट लिस्ट आएगा 25 अक्टूबर को। फिर इसकी चॉइस फिलिंग ऑनलाइन ही होगी, ये बता दें, ये राउंड ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो इसमें चॉइस फिलिंग ऑनलाइन ही करनी होगी। उसके लिए 2 डेज आपको दिए गए हैं, 26 अक्टूबर 11 AM से स्टार्ट हो जाएगी चॉइस फिलिंग, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 27 अक्टूबर टिल 5 PM। फिर इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 28 अक्टूबर को आ जाएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी तो वो लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे एंड एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको 2 डेज दिए जा रहे हैं, 30 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर, यानी कि 2 डेज मिलेंगे। ये जो सेकंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो रहा है बीडीएस कोर्स के लिए, ये ऑनलाइन ही हो रहा है, और इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए मैंडेटरी है कि वो फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे वेबसाइट पर। ऑनलाइन वेबसाइट है upneet.gov.in, और वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपीज़ की पे करनी होगी। जो सिक्योरिटी मनी है वो 30,000 रुपीज़ है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए, और 1 लाख रुपीज़ है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए। तो ये भी आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट कराना है, और ये मैंडेटरी है अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें यूपी स्टेट के फर्स्ट सेकंड मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड से एडमिशन मिला है, और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के किसी भी राउंड से एडमिशन मिला है, वो इस राउंड के लिए अब एलिजिबल नहीं है। वो कैंडिडेट जिन्हें अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और वो ऑलरेडी सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करा चुके थे फर्स्ट सेकेंड मॉपअप एंड स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम पर, उन्हें फिर से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं फर्स्ट सेकेंड मॉपअप एंड स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम पर, तो उनको डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। इस राउंड के लिए खाली वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके होंगे और जिन्होंने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो कि मैंने बताया। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक बीडीएस कोर्स के लिए देख रहे हैं एडमिशन के लिए, और अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है यूपी स्टेट में, तो वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 डेज मिल रहे हैं। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।